सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी का दिन शुभ हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। और गाइस, आज मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ माता रानी के मंदिर। माता रानी का मंदिर काफ़ी ऊपर है जो हमें पैदल ट्रैक करना है। और आज वीडियो के साथ बने रहें, आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ माता रानी का दर्शन भी मिलेगा। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरी देखिए और पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और जिस भाई का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, ये आ चुके हैं। ओके गाइस, अभी हम यहाँ से ट्रैकिंग करना शुरू कर रहे हैं और मेरे साथ एक बार इनका इंटरव्यू करके ला देता हूँ। ये है सूरज भाई और ये पीछे आप देखते रहते होंगे ब्लॉगों में, काफ़ी डिमांड है जिन भाई की, सचिन सिंह। और गाइस, यहाँ से हम तीन दोस्त निकल पड़े थे अपनी मंजिल के लिए। रास्ते में चलते चलते हम सकलाना गांव पहुँचे, जो ठीक मेरे गांव के ऊपर है और काफ़ी खूबसूरत सा विलेज है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे हैं। हमने यहाँ पे कुछ देर आराम किया, थोड़ा रिलैक्स हुए और फिर हम निकल पड़े आगे। और गाइस, अभी देखो आप, हम यहाँ पे पानी पीने के लिए रुके हैं। ये सकलाना का प्राचीन धारा है, तो जरा मैं आपको धारा का दर्शन करा लेता हूँ। काफ़ी कूल पानी है यहाँ पे, एकदम ठंडा ठंडा। ये है सकलाना का धारा, यहाँ पे सूरज पानी भर रहा है और हम भी पियेंगे। और गाइस, अभी वहाँ पे सूरज कह रहा है कि मैं नल बंद कैसे करूँ। बाकी पीछे का व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत आ रहा है। और यहाँ पे हमने सकलाना गांव को अलविदा कहा और खूबसूरत नज़ारों की तरफ चले। सामने काफ़ी अच्छे पहाड़ थे और यहाँ पे चौखंबा पर्वत काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था। तो यहीं से हमने ट्रैकिंग शुरू की। दो रास्ते थे हम पे और हमने नीचे वाला रास्ता चुना जो बुग्यालों से होते हुए जाता है। आगे बुग्याल के काफ़ी खूबसूरत से पहाड़, सामने सुंदर सुंदर गांव और सुंदर सुंदर पहाड़ को छोड़ते हुए हम आगे निकल पड़े। और रास्ता काफ़ी छोटा था तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हुई। आगे चलते गए हम और मज़े मज़े से हमने बुग्याल वाला क्षेत्र पीछे छोड़ दिया। अब हमें आगे लंबी घास वाली क्षेत्र में जाना था जहाँ पे रास्ता बहुत कम था, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आगे हम बढ़ते रहे। यहाँ पे काफ़ी परेशानी हुई और मेरा दोस्त सूरज जो आगे रास्ता बना रहा था और पीछे पीछे हम ब्लॉगिंग कर रहे थे। काफ़ी कठिनाइयों को पार करते हुए फाइनली हम ये क्षेत्र पीछे छोड़ने वाले थे और यहाँ पे सूरज गिर गया। और सामने अब जंगल था घना जो हमें पार करना था, पर हमारा बस का ये नहीं था, तो हमने यहाँ से डिसीजन कैंसिल किया और हमने कहा ऊपर चढ़ेंगे। तो इतनी थकान लाइफ में पहली बार लगी है। शायद मेरे से कोई गलती हो गई थी जो माता रानी मेरे को इतना कष्ट दे रही है, नहीं तो माता रानी कभी अपने दरबार बुलाने के लिए इतना कष्ट किसी को नहीं देती है। और पीछे देखिए आप, मैं कितनी दूर से आ चुका हूँ और मेरे को आदत नहीं है ऐसी जगहों पर चलने की, फिर भी मैं ट्रैकिंग करता रहूँगा। चाहे आज कुछ भी हो जाए, माता रानी के दरबार में पहुँचना है। और फाइनली हमने अब जंगल को पीछे कर दिया है और खुले रास्ते पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे हैं और सामने पे हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं। और सामने का व्यू देखिए आप, कितने ज़्यादा पहाड़ हैं और कितने खूबसूरत हैं। तो यहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू किया अपने दोस्तों के साथ। अब हम काफ़ी लोग हो चुके थे और अब आगे बढ़ रहे हैं हम। सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है वहीं पर माता रानी का मंदिर है और वहीं जाना है। बाय द वे, इस शॉट के लिए सूरज ने काफ़ी मेहनत की है। और नीचे पे एक सुंदर सा छोटा सा मंदिर दिख रहा है जो मठेरा खाल से थोड़ा सा पीछे पे पड़ता है। और यहाँ पे एक छोटा सा लड़का मिला हमें जो जंगल अपने बैलों के लिए जा रहा है। और काफ़ी धूप है तो मैंने इसको एक फ्रूटी दी, इसको काफ़ी अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे भी कुछ पूजा करते हैं। ओके, तो गाइस अभी हम वो छोटे वाले मंदिर से आगे आ चुके हैं और यहाँ पे से ऑलमोस्ट 200 मीटर समथिंग या उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। आराम से भाई, आराम से। चलो भाई चलो, जय माता दी। और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे भी है, काफ़ी खूबसूरत। हम तंग करने वाले करो सूरज। और गाइस, ट्रैकिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई, लेकिन मेरे को पर्सनली काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखे और काफ़ी मज़ा आया मुझे इस ट्रैक पे चलते हुए। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और बोलो जय माता दी। और अभी हम मंदिर के ठीक गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से माता रानी का मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, काफ़ी खूबसूरत है, लोग भी काफ़ी आ रखे हैं। जब
और अब खुद सुंदर सुंदर नजारे का आनंद लीजिए आप माता रानी के दरबार की। बोलो जय मठियाणा माँ। और ये हमारे अंकित भाई कुछ सामान ले रहे हैं। अंकित भाई क्या सामान ले रहे हैं आप? जरा धूपबत्ती माता रानी की। माचिस तो बैग में होगी। माचिस ये इसने पता नहीं क्यों ली थी, इसमें एक रुपया बच रहा था एक्स्ट्रा, इसने ले ली थी इसने, इस जानवर ने। दुकान दिखाओ ना दुकान यार, भाई की दुकान दिखाओ। भाई क्या नाम है आपका? कैमरे में बोल रहे थे। कितने हुए इनके? तीन हाफ प्लेट चाउमीन पैक कर देना। तरफ इसके जंगल है मंदिर के, ये प्यारा प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, बस इसको कलर कलर कर रखा होता है, बाकी पहले से ही प्राचीन मंदिर है। मतलब बहुत ही प्यारे ढंग से, मतलब पूरी श्रद्धा से भाई साहब का फास्ट है आज इस खुशी में। भाई साहब का फास्ट है, हमें पता होता तो हम भी रखते फास्ट। हमें लगा ये लोग नाश्ता करके आएंगे, क्योंकि भाई जंगलों के रास्ते आना ना, हमें भूख तो लगी जाती है ना इस वजह से। यार पता नहीं कैसे कैसे रास्ते से आए हम। तो चलिए गाइस, अब टाइम हो चुका है थोड़ा भक्ति का, माता रानी के दर्शन कर लेते हैं जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। सबसे पहले हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम माता रानी का मंदिर के ठीक पीछे जहाँ पे पंडित जी बैठते हैं वहाँ पे गए, उनको दक्षिणा दी और इनका आशीर्वाद लिया। अब हमने मंदिर की थोड़ी सी परिक्रमा की, और पहले काफ़ी चेंजेस थे, अंदर जाने देते थे लेकिन अब अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं। बाकी आप यहाँ से मंदिर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है, और आज भीड़ भी थोड़ी कम है। और इसके बाद हमने मंदिर के सामने पे थोड़ी सी पूजा की, भक्ति भाव रखा मन में और अपनी मनोकामनाएं के लिए पंडित जी से वार्तालाप की अपने फ्यूचर के बारे में। पंडित जी का काफ़ी आभार है, इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी सलाहें दी। और अभी गाइस पूजा हो चुकी है और हम सभी अभी यहाँ पे खड़े हैं, और पीछे मंदिर है तो अभी हम थोड़ी देर घूमेंगे, क्योंकि छोटे मोटे मार्केट भी लगे हैं। कोरोना की वजह से यहाँ पे अनुरोध किया गया है कि कोई बाहर से नहीं आएगा, तो इसलिए छोटी मोटी दुकानें लगी हैं, हम उनके जाते हैं कुछ खाते हैं। अब फास्ट भी तोड़ दिया है मैंने इससे ज़्यादा। और यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ है और कुछ मिष्ठान भंडार भी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जलेबी पकौड़े और शॉपिंग करने के लिए भी है छोटी मोटी चीज़ें, और कुछ गिफ्ट की दुकानें हैं, चश्मे चुश्मे अंगूठी, तो लेना है तो ले लेना, बाकी आपने वीडियो तो देख ही लिया। और हम जलेबी खा रहे हैं। और थोड़ी सी हम जलेबी खा रहे हैं, खाओ ना भाई। क्योंकि देखा यहाँ से मैं काफ़ी टाइम पहले यहाँ आया था, पहले तो पानी नहीं था, अब पानी की व्यवस्था हो चुकी है मंदिर में, तो काफ़ी बदलाव किए गए हैं। और ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, सभी बारी बारी से पी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और घर में तो हमारे काफ़ी पानी आता है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो अभी पानी भी पी लिया और मंदिर के दर्शन भी कर लिए, तो सीधे घर के लिए निकलते हैं। हाल तो घूमने का मेरे को शौक नहीं है। यहाँ पे एक क्यूट बच्चा मिला हमें, क्या है तुम्हारा नाम? बब्बी। हाँ काफ़ी सुंदर लड़का है, तो ठीक है मिलेंगे, बाय। तो चलो भाई घर भी चल रहे हो तुम। हे गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय माता दी।